आजा सेंट आजा। अरे थोड़ा ऊपर ले लो ना। किस में सजा सेंट? उसको उठा लो ना। उसी फ्रेम में ही आएगा ना फिर भी। नहीं होगा। लो तो सही ऊपर तो उठाओ उसको। हाथ में ले लो ना हैंडल कर। अच्छा हाँ सही है। थैंक यू सर। कैमरे के आगे खड़े हो बोल रहे हैं उनको हाथ में ले लो। सीनियर नीचे बैठ जाना थोड़ा सा। थैंक यू सर। भाई राम जी आपके बिना मजा नहीं आया। ये जोड़ी आग लगा देगी। लुक सेंटर यहाँ भी आप। अच्छा क्विक क्वेश्चन, दांत में लिपस्टिक है? नहीं है। नहीं नहीं श्रद्धा एक बार सामने देखिए सारे। यस यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। नहीं नहीं ओके थैंक यू। अभी सोलो 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 मैम इधर ही इधर ही बेटा यहाँ से कब। यस मैम रुक गया। सुष्मिता मैम यहाँ सेंटर है। सुष्मिता जी यहाँ पर नहीं देखा। सुष्मिता जी मेरे पास नहीं देखा आपने। मैम यहाँ सेंटर है इधर भी है। सुष्मिता जी राइट में निकला से लेफ्ट से शुरू करते रहे। हां लेफ्ट से सुष्मिता जी राइट स्लोली लेफ्ट लेफ्ट यार। सुष्मिता जी आई लव माय शूज सो वन थिंग प्लीज। हां सुष्मिता जी राइट पे के राइट मैम अभी यहां पे हम राइट बस सप्लीमेंटिंग यू पिंटर से। Yes, अरे क्या बात है मैम एक बार देखिए ना मेरे पास यहाँ पर। अरे कब से बोल रहा है मतलब फोकस नहीं हो रहा है। क्या बात कर रहा है। फ्रंट पे नहीं नहीं लेना है। मैडम मना कर दिया। ओके मैम थैंक यू। थैंक यू ओके मैम थैंक यू। हम लोग सब सावधान में बैठ गए हैं। अभी आप करा दीजिए ना। हाँ बोल ऐसा करके। अब वक्त आ गया है। बिल्कुल देखिए आर्या को तो इतनी मोहब्बत मिली है सीजन वन से लेकर अब तक के सीजन थ्री बनी इस वजह से क्योंकि आप लोगों को सीजन वन और टू इतनी पसंद आई। हमारे लिए ये एक कहानी है सच्चाई की जो बहुत ईमानदारी से बताई गई है। बहुत एक्साइटमेंट है दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो होता है ना बटरफ्लाइज इन योर स्टमक वो चल रहा है अभी क्योंकि अब रिलीज आज रात को 12 बजे इट विल ड्रॉप एंड लोगों ने सही मायनों में 2 साल इंतज़ार किया है आर्या का। इसी से पता चलता है कि कितनी मोहब्बत करते हैं सीरीज से। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी थ्रिल्ड दैट हम इस बार पहली दफ़ा एज ए टीम आके आप सबसे बात कर पा रहे हैं क्योंकि ये पिछले 2 साल में हुआ नहीं है। सो इट्स रियली नाइस वेरी एक्साइटेड। सर आप कितने एक्साइटेड हो क्योंकि ऑडियंस हम लोग काफी एक्साइटेड है देखने के लिए। आपका कुछ
आप एक्साइटेड हैं तो फिर आई होप आई डोंट डिसअपॉइंट यू आई होप दैट यू लाइक इट आई थिंक इट इज समथिंग व्हिच वी आर वेरी एक्साइटेड बाय आवरसेल्व्स हमने लगा के हमने जो सीजन 3 जो किया है इट इज फास्टर इट इज स्पेसियर इट इज मोर ड्रामेटिक और इस टाइम पहले हमने देखा कि ट्रेलर में देखा कि आर्या किसी उसको किसी समरी शूट सर सो दैट्स अ बिग क्वेश्चन कि भाई किसने वो गोली चलाई और इसमें से दो लोग तो यहाँ है जो चला सकते हैं जो चला सकते हैं सो वी आर होपिंग दैट यू विल आल्सो बी आस्किंग कि भाई किसने गोली चलाई तो यहाँ विल सी जी आज आप क्या कहना एक्साइटमेंट ये जो इतना जो प्यार मिला है मुझसे हर व्यक्ति जो भी मिल रहा है वो यही कह रहा है आर्या में हो अब आपकी लाइफ बन गई आर्या में मेरी जिंदगी बन गई है सच में इतना प्यार इतना आई मीन सीरीज इतनी हिट हो सकती है मैं एक्साइटेड हूँ कि कल मुझे मालूम है कल क्या होने वाला है क्योंकि लोग वेट कर रहे हैं तो बस इंतजार है उन तक पहुँचने का सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कितने एक्साइटेड हो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड मतलब अब इसमें क्या बोले ही जितना प्यार हमें मिला सीजन 1 सीजन 2 में हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है स्क्रिप्टिंग से लेके फिल्मिंग तक में कि हम पहले दो सीजन से कहीं ज्यादा बेहतर कहीं ज्यादा एक्साइटिंग ज्यादा एक्शन ज्यादा थ्रिल ये सब आपको दें और थोड़ी सी श्योरिटी है कि प्यार मिलेगा वो आपने दिया है क्यों नहीं देंगे आगे भी देंगे पर करें आई मीन उम्मीद है कि उससे भी ज्यादा पहले दो सीजन से कंबाइंड से भी ज्यादा प्यार मिले सुष्मिता जी मेरे दो सवाल है आपसे एक तो ये है कि प्रीवियसली आप ग्लैमर को रोमांस कर रही थी नाउ यू आर प्रोटेक्टिंग द फैमिली जी तो ये जो जर्नी है आपकी किस तरह देखती है ग्लैमर को कब रोमांस किया मैंने नहीं आई डोंट नो आई नहीं मतलब मैं जानना चाहूंगी यू आर रोमांसिंग द गुड लुकिंग फेलो ऑन स्क्रीन अच्छा लाइक पहले हां अलग फिल्मों में मतलब हां उस वक्त उतना ही स्कोप था एक्टिंग का अब जब वो स्कोप बढ़ाकर हमें इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबल रोल दिया गया है थैंक्स टू मिस्टर राम माधवानी थैंक्स टू हॉटस्टार थैंक्स टू द एंटायर टीम ऑफ आर्या अब लगता है कि जो हुनर मुझ में मुझे लगता था है लेकिन उसे दुनिया तक पहुंचा नहीं पा रही थी इनके सब की वजह से वो अब आपके सामने हाजिर है और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है और मेरा नाम आ रहा है जी जी आर्या has been exceptional for you you have owned it killed it smashed it and I love you what's your name Amar thank you lovely way to start the question what do you think Arya has added to your filmography which no other project managed to add oh everything it's everything It's knowing that I have had an institution like Ram Madhvani teach me, not over 40 days of one film, but through 60 days of three seasons and more to come. So as an actor, I have grown. Have I got my best out there? Not yet. That I know I haven't. I have a lot to come. But that bhook bolta hai na ek. एक आर्टिस्ट की भूख होती है ही इज रिवाइव्ड दैट फॉर मी इज गिवन मी एक्टर्स टू वर्क विथ जिनके सामने आपको प्रेपरेशन करके आनी होती है नहीं तो आप खड़े नहीं हो सकते ही इज गिवन मी द एबिलिटी टू कॉन्फिडेंटली से दैट आई कैन वर्क इन एन ऑथर बैक्ड रोल एंड पुल इट ऑफ दैट आई डिडंट हैव बिफोर आई हैड अ हिट सॉन्ग मैनी हिट सॉन्ग्स आई हैड हिट फिल्म्स But I never had an aria before this, so it's added a lot to my filmography. मैं साथी बात करूँ पहली बार हम लोग कोई खूबसूरत lady doll को देखने वाले हैं. ऐसा मत बोलिए मैं खूबसूरत पहले season में भी थी. ऐसा मत बोलिए. जी लेकिन lady doll खूबसूरत पहली बार देखेंगे हम. जी. और साथी मैं बात करूँ आप कोई भी किरदार निभाते हो चाहे ताली हो चाहे aria हो. जी. अपने आप को काफी ढाल लेते हो. जी. मैं जानना चाहूँगा किस तरह की आपकी तैयारी रही आर्या के लिए आर्या के लिए तो जैसे स्कूल जाके प्रिंसिपल होते हैं वहाँ पे टीचर्स होते हैं ऐसी तैयारी होती है क्योंकि हम वर्कशॉप्स करते हैं वहाँ पे सारे एक्टर्स के साथ डायरेक्टर्स के साथ हमारा जो एक नहीं आई वाज वेटिंग फॉर द हैमर टू स्टॉप जो एक कनेक्शन होता है
वही वो कनेक्शन हम उसे इतना नेचुरल बना देते हैं वर्कशॉप में कि तैयारी हम सेट पे जाके रिहर्सल अलाउड नहीं है हमारे सिस्टम में, तो हम जाकर रॉनेस के साथ परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसकी तैयारी वो पहले से, रिश्तों की तैयारी पहले से होती है. सो वो डेफिनेटली है, क्योंकि अभी हम सीजन 3 में हैं तो वो तैयारी एकदम बेस से शुरू नहीं की जाती, क्योंकि वो सीजन 1 में की थी. अब आगे के रिश्तों को और गहराई से समझने के लिए तैयारी की जाती है. सो बट थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, सुन के बहुत अच्छा लगा. सीजन में दो खूबसूरत डॉन है. अभी तो आपने देखा नहीं है, अभी आज रात को देखेंगे. जी देखिए, हर चीज में मेहनत तो रहती है, इजी नहीं हो जाता है, लेकिन तजुर्बा किसी चीज का हो तो उसे स्क्रीन पे दिखाना डेफिनेटली इट हेल्प्स. बट हर एक माँ अलग होती है, उसकी जिम्मेदारियां अलग होती हैं, उसकी हकीकत अलग होती है. अब जो आर्या की लाइफ है वो आई वुड नॉट विश इट ऑन एन एनिमी, लाइक इट्स अ वेरी पेनफुल लाइफ. तो उसमें जो हौसला आर्या दिखा रही हैं अपने बच्चों के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, वो मुझे लगता है हर माँ में है. उस हद तक किसी को ना जाना पड़े, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा माँ होना, और वो भी एक सिंगल मदर होना, वो जिम्मेदारी को समझता है, और उस जिम्मेदारी को फिर स्क्रीन पे दिखाना हेल्पफुल होता है डेफिनेटली. जी it's redefined the opportunities given to me as an actor, definitely. It has given me time to flesh out characters that I would otherwise have to show very quickly. And that's a different kind of method. But itna waqt aur logon ke ghar to gharon tak pahunchna. You can watch us anytime, anywhere, and not just here, globally. To be able to show your work all over the world. I'm a big fan of OTT. And I think kaam imandari se karo to platform koi bhi ho, it will reach people. आप कुछ पूछ रही थी इला जी से. इला जी, मतलब आपका जो किरदार रहा पहले फिल्मों से, पैरेलल सिनेमा, सॉफ्ट कैरेक्टर, वो आपकी खासियत रही, फिर गाना भी हुआ, तो नाउ यू आर कमिंग इन एन एग्रेसिव रोल, सो ये क्या कुछ सोच के आपने हां कहा? देखिए क्या होता है कि कलाकार भूखा होता है कि उसे अलग अलग किस्म के रोल मिले, और जब डायरेक्टर की आप में, आप उनका अगर आप में विश्वास हो, अगर वो ये मानते हो कि आप ये काम कर सकती हैं, तो अच्छा लगता है एक जो चैलेंज इनके सामने खड़ा होना, और फिर एक दूसरी तरीके की, ये वैसे वाले डॉन नहीं कि पत्थर वत्थर मारे, अंदर की जो ताकत है और उसको कैसे इन्होंने संभाल के किस संयम से काम करूं, तो बहुत अच्छा लगा. क्योंकि कोई भी कलाकार कुछ भी कर सकता है, पर जैसे कहते हैं कुम्हार जो होता है वो शेप देता है, तो मैं तो अपने निर्देशक को मैं पूरी पूरी उनकी तारीफ करूंगी कि उन्होंने मुझ पे भरोसा किया और उस तरीके से मोल्ड किया, तो आसान हो गया. नहीं तो क्या था, टाइप कास्ट होने का डर होता है. मी कोई भी औरत नहीं होती, उसे बनाया जाता है. तो ये बात है ना, ये बात. और जब इन्होंने मुझे दहाड़ने का मौका दिया इनके सामने, तो फिर ये मौका बड़ा अच्छा था. और जो आर्या की हालत हुई है उस दहाड़ से, वो आप जरूर देखिएगा आज रात को. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. This is so much fun.